तो प्राइस एक्शन क्या होता है? तो प्राइस एक्शन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल की तरफ से हम एक्सिस बैंक लेते हैं। एग्जाम्पल कि एक्सिस बैंक 800 रुपीज चल रहा है, तो उसका स्टॉक आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और कहीं पे जाके वो स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। फिर आके 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 यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर इधर से आगे आगे बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। यानी क्या है कि एक जगह पे बढ़ के वो फिर से नीचे आता है, तो जिस जगह पे वो नीचे आता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जिस जगह पे वो फिर से ऊपर जाते हैं सपोर्ट लेके उसको कहते हैं सपोर्ट। ये बार बार होगा, बार बार फिर इधर रेजिस्टेंस आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा, फिर सपोर्ट आएगा, और जहाँ पे वो रेजिस्टेंस तोड़ता है और ऊपर जाता है उसको कहते हैं ब्रेकआउट। यानी सिंपल है कि स्टॉक जहाँ से ऊपर नहीं जाता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और स्टॉक जहाँ से और नीचे नहीं गिरता है सपोर्ट लेता है उसको कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये रहता है। उसके बाद दूसरा आता है ट्रेड, कौन सा चल रहा है ट्रेंड। ट्रेंड में क्या होता है? एक अपवर्ड, डाउन ट्रेड और साइडवेज। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में देखिए कि मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहेगा, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है उसको कह रहे हैं अप ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे चला जाएगा उसको कहते हैं डाउन ट्रेड। ये अप ट्रेड है, वो नीचे जो जा रहा है उसको कहते हैं डाउन ट्रेड। ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और साइडवेज क्या होता है? साइडवेज यानी क्या कि ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, एक लेवल पे ही, एक लेवल पे ऊपर जा रहा है, एक लेवल पे नीचे आ रहा है, लेवल पे ऊपर जा रहा है, लेवल पे नीचे आ रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहे, उसको कहते हैं साइडवेज, यानी मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन का यूज करके अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट, साइडवेज मार्केट, तीनों मार्केट में आप पैसे कमा सकते हो, और वो आप प्राइस एक्शन से कर सकते हो। देखिए, जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम है कि आपको ऑप्शन में कॉल लेना है, कॉल बाय करना है। कॉल बाय यानी क्या? ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैंने क्या बोला कि अप ट्रेंड, अप ट्रेंड यानी क्या कि आपको पता चल रहा है मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ऊपर ऊपर चलता जा रहा है, हायर हाई, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए? समझो, आपने 100 रुपये का ट्रेड, कौन सा भी ट्रेंड ट्रेड ले लिया जिसकी 100 रुपीज़ प्राइस है, तो अप ट्रेंड में 100 रुपीज़ की प्राइस 110, 120, 130 हो जाएगी, तो आपको उतना प्रॉफिट आ जाएगा। यानी आपको कौन सी भी चीज़ बाय करनी है वो कॉल के लिए करनी है, अप ट्रेंड के लिए करनी है। दूसरा होता है डाउन ट्रेड, उसमें क्या होता है? मार्केट गिरता जाता है, लोअर और लोअर, लोअर लोअर, नीचे गिरता जाता है, तो उसमें भी एक शॉर्ट सेलिंग है। शॉर्ट सेलिंग करके आप मनी बना सकते हो, आप पैसा बना सकते हो शॉर्ट सेलिंग करके। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग होती है कि आपको जहां पे आप बाय करते हैं वहां पे आपको सेल करना है, जहां पे आप कॉल करते हैं वहां पे आपको पुट करना है, बराबर। जहां आपको, आप कॉल किसके लिए करते हैं? कॉल करते हैं आप अप ट्रेंड के लिए, पुट किसके लिए करते हैं? आप डाउन ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड में भी पैसा कमा सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी कमा सकते हो। साइडवेज में क्या होता है? साइडवेज में मार्केट एक ही जगह पे घूमता रहता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, वहां भी आप कमा सकते हैं। यहाँ पे बाय कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, यहाँ पे बाय कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, बराबर। तो आप साइडवेज में भी मनी कमा सकते हो। तो प्राइस एक्शन से आपका लॉस कम से कम कर सकते हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। उस पे ऊपर लगाना है आपको साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी लगानी है, आपको माइंडसेट आपका अच्छा रहना। शेयर मार्केट की ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।